Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here is a book, Grammar, Glitter Odyssey, and this is book 2. Today we will start chapter number 16 and the name of the chapter is More About Verbs. So a tense is a form of a verb which shows the time at which an action happens. So tense kya batata hai? कब काम हो रहा है. देर कैन बी थ्री टाइम्स और टेंसेज ऑफ एन एक्शन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो ये थ्री टेंसेज है. प्रेजेंट मीन्स अभी, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है. सो लेट्स रीड अबाउट देम. द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है. जैसे कि आई एम अ गर्ल, मैं अभी एक गर्ल हूं. नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट. अब सिंपल पास्ट क्या बताता है? इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट. काम पास्ट में हुआ था. इसका मतलब आई वॉज अ बेबी. अभी मैं एक गर्ल हूं लेकिन पहले मैं एक बेबी थी. तो हमने यहाँ पे वॉज लगाया. तो सिंपल पास्ट में वॉज लगाना है. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर. इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. ये बताता है कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है. एग्जाम्पल इज आई शैल बी अ यंग लेडी. आज मैं एक गर्ल हूँ, कल मैं एक छोटी बेबी थी, आगे जाके मैं एक यंग लेडी बनूंगी. सो फ्यूचर भी मैंने बता दिया. टुडे प्रेजेंट, यस्टरडे पास्ट एंड टुमारो फ्यूचर. तो टुडे की जब हम बात करें तो प्रेजेंट में आई लाफ, मैं हंस रही हूँ. अगर हम पास्ट की बात करें, यस्टरडे की आई लाफ्ड, मैं हंसी थी. एंड फ्यूचर की बात करें तो हम कहेंगे आई विल लाफ, मैं हंसूंगी. प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस इज यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यू डिड अर्लियर. पास्ट टेंस कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो पहले हो चुका है. जैसे आई पेंट अ पिक्चर. तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा पास्ट टेंस में तो हम क्या कहेंगे? येस्टरडे मीन्स कल आई पेंटेड अ पिक्चर. तो पेंट में हमने ईडी लगा के पेंटेड कर दिया. इसका मतलब कल मैंने एक पिक्चर को पेंट किया था. आई बेक अ केक. अभी से हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा बेक्ड. येस्टरडे आई बेक्ड द केक. कल मैंने एक केक बेक किया था. वन ऑफ द वे टू मेक द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इज बाय एडिंग ईडी टू द वर्ब. तो हमें क्या करना है? पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां पे इन वर्ब्स में ईडी को ऐड कर दिया है. सम वर्ब्स चेंज टोटली व्हेन दे आर यूज्ड इन पास्ट टेंस. कुछ वर्ब जो है पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं जब उन्हें पास्ट टेंस में लिखा जाता है. हियर आर सम ऑफ देम. प्रेजेंट और पास्ट. तो प्रेजेंट में इज और एम को हम पास्ट में वॉज कर देते हैं. हैज बन जाता है हैड. डू या फिर डज बन जाता है डिड. गो बन जाता है वेंट. स्पीक बन जाता है स्पोक. टेक, टुक, आर, वर, राइट, रोट, सिट, सैट, स्टैंड, स्टूड. तो आप देख सकते हो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है प्रेजेंट से पास्ट में. इसमें हमने ईडी को ऐड नहीं किया बट पूरे ही वर्ड को चेंज कर दिया, उसकी पूरी स्पेलिंग को चेंज कर दिया है. सो यू डोंट नीड टू यूज येस्टरडे. कई जगहों पे हमें येस्टरडे यूज करने की जरूरत नहीं है. Once you use the past tense of the word, अगर आपने इस past tense को यूज कर लिया तो इसका मतलब ये खुद ही बता देगा कि कल की बात हो रही है या पुरानी बात हो रही है. Yesterday word अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. It means the action was done earlier. अगर आपने past form को लिखा तो सबको पता चल जाएगा कि काम पहले हो चुका है. Now let's learn the present and past tense form of the following words. तो यहाँ कुछ words हैं उनके present और past form दोनों लिखे हैं. चलिए पढ़ते हैं. पहला है no, जो कि past में जाके बनता है new. learn बन जाता है learned.
स्वीप बन जाता है स्वेप्ट, आप देख सकते हो टी लगाया है। से बन गया सेड, कैरी बन गया कैरीड, बिल्ड बन गया बिल्ट, टी लगा दिया हमने डी को हटा के, ग्रो बन गया ग्रीव, मीट बन गया मेट, गेट बन गया गॉट, फॉल फेल, राइट रोट, राइज रोज, ब्रेक ब्रोक, ड्रिंक ड्रैंक, डू डेड, चूज एंड चॉज। सो दीज आर द प्रेजेंट एंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। नाउ लेट्स डू दिस फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज एक्सरसाइज ए। एड ई डी टू द वर्ब्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं उनमें ई डी लगाना है एंड देन वी हैव टू राइट। तो एक्ट बन जाए एक्टेड। नेक्स्ट वॉक बन गया वॉक्ड। नेक्स्ट वॉश बन गया वॉश्ड। लॉक बन गया लॉक्ड। सिमिलरली क्लीन बन गया क्लीन्ड। टॉक बन गया टॉक्ड। एंड डू दिस टू योर सेल्फ, ये दोनों खुद से करेंगे आप। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज री राइट दीज सेंटेंसेज विद द पास्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हमें इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है। कैसे लिखना है? पास्ट टेंस के साथ लिखना है। एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। सो जतिन डज हिज वर्क ऑन टाइम। सो डज बन गया डिड। सो जतिन डिड हिज वर्क ऑन टाइम। अब नेक्स्ट है दिस डॉग बाइट्स एवरीवन। सो सेंटेंस बन जाएगा दिस डॉग बिट एवरीवन। सो बाइट्स का बन गया बिट। नेक्स्ट इज आई फ्लाई अ ब्लू काइट। तो सेंटेंस विल बी आई फ्लू, फ्लाई का बन गया फ्लू अ ब्लू काइट। अ पीकॉक ओपन्स इट्स टेल। अ पीकॉक ओपेंड इट्स tail. Next, Kirti comes to school by car. So Kirti came school by car. Last one is the eagle flies very high. So kya banega sentence? The eagle flew very high. So like this children, you have to make the sentences. Now let's learn about future tense. When you talk about what will happen later, जब हम ऐसी बात करें कि क्या काम होने वाला है आगे जाके, you are talking about the future, आप future की बात कर रहे हैं। इट कोड बी द नेक्स्ट डे, अगले दिन का काम हो सकता है, अगले मिनट का काम हो सकता है, आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, एक दिन बाद का काम हो सकता है, एक साल बाद का काम हो सकता है, या फिर कई सालों के बाद का भी काम हो सकता है। तो फ्यूचर में कोई भी काम हम कर सकते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, ये एक प्रेजेंट टेंस में है। अब मैंने लिख दिया आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी, इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। We form the future tense by writing will plus present verb. Present tense में जो verb है उसे लिखना है और उसके पहले will लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? Sentence बन जाएगा future tense में। See exercises. Rewrite the following sentences to indicate the future tense. हमें इन exercises को दोबारा sentences को दोबारा लिखना है। क्यों? Future tense को indicate करने के लिए। One has been done for you. I talk to you. I will talk to you. अब है you climb the stair very fast. So you will climb the stairs
very fast. Similarly, Mr. Sharma buys a new car, so Mr. Sharma will buy. इसको हटा देंगे. You give me a balloon, you will give me a balloon. Rakesh asks the teacher to go out. Rakesh will ask, S हटा देंगे, the teacher to go out. The boys hide the ball. The boys will hide the ball. So, ऐसे अब आपको क्या करना है, इन sentences को complete करना है. Now, change the following present forms to the verbs in past form. So, present form में कुछ verbs हैं, उन्हें हमें past form में करना है. So, leave का बन जाएगा left, go का बन जाएगा went, teach का बन जाएगा taught, beat का सेम रहेगा beat. So, like this children, you have to change to the past form. Question number 5 and 6 are your homework. You have to do yourself. Now, let's come to the passage fun. Read the short passage and answer the questions. Parrots, parrots everywhere. So, here comes the parrot. There are so many, 5, 4 or 3. Oh, how beautiful they are. So, here are bahut sare parrots hai. And kahin 5 hai, kahin 4 hai, kahin 3 hai. Aur bahut hi zyada beautiful hai. They are green and have bright red beak. Ye jo parrots hai, wo green hai. Aur inka jo beak hai, jo chonch hai, wo red color ka hai. Should we call Charlie and Fiona to see them? Kya hum Charlie aur Fiona ko bulaye inse milne ke liye, inhe dikhane ke liye? I hope the parrots sit on our terrace. Main aisi aasha karti hu ya karta hu ki ye parrot jo hamare chhat pe baith jaye. Look how the parrots are making their nest. Dekho kaise parrots apna ghar bana rahe. Some have gone to find food for their babies. Kuch parrots apne bachcho ke liye khana lene gaye hain. Shall we help them or not? क्या हमें उनकी help करनी चाहिए या नहीं? I hope they keep coming every day. मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ कि वो रोज़ आए यहाँ पे. They are so pretty. वो कितने प्यारे हैं. If the parrots fly away, we will follow and see whether they where they go. तो जैसे ये parrots उड़ेंगे, हम क्या करेंगे? देखेंगे ये parrots कहाँ जा रहे हैं. Now answer the following questions. What are the parrots doing? So the parrots are making nest and some are going to bring food for their babies. So I'm writing here making nests. What will they do if the parrots fly away? Kya karenge bacche? When the parrots fly away, they will follow them. Bacche follow karenge ki kahan ja rahe hain ye? Whom should we call to see the parrots? Whom should we call to see the parrots? So we should call Charlie and Fiona. Now what is the color of the parrot? The parrots are green in color and the beaks are red. Now let's move on to fill in the blanks. Here comes the parrot. Oh, how beautiful they are. Third one, I hope the parrots sit on our terrace. And the fourth one is, I hope they keep coming every day. So these are the exercises written like this. You have to complete them. So with this, the chapter is over. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.